नमस्कार मित्रों, मैं पंडित मनोज तिवारी आप सभी के सामने आज विश्लेषण करता हूं एक जाने माने अभिनेता ऋतिक रोशन जी के बारे में कि ये आने वाला वर्ष 2021 उनके लिए कैसा रहेगा। जो मेरे पास प्रश्न हैं आए हुए हैं कि ये उनके लिए कैसा रहेगा और क्या वो इस बार बॉक्स ऑफिस के किंग बन पाएंगे या नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये हम सभी के प्रिय अभिनेता ऋतिक रोशन जी हैं, जो अपनी एक्टिंग से न सिर्फ हमारा बल्कि बच्चों का भी उन्होंने मन मोह लिया है, तो इनकी जो जन्म कुंडली के बारे में हम विश्लेषण करते हैं। इनकी जो जन्म कुंडली है, मैं आपको बताऊँ, वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है और कर्क इनकी राशि है। और जो वृश्चिक लग्न वाले व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही कर्मठ होते हैं, बहुत ही लगन से हर काम को अंजाम देने वाले होते हैं और बहुत ही जल्दी इनसे कोई भी प्रभावित होता है। अतः इनके अनुसार और जो इस समय इनके ग्रह चल रहे हैं, इस समय इनकी सूर्य की महादशा चल रही है जो अपने आप में काफ़ी बढ़िया है, और आय और व्यवसाय का जो मालिक है इनका वो तुला राशि का स्वामी है, और जो इनकी दशा चल रही है वो सूर्य की चल रही है, अर्थात वो खुद इनके व्यवसाय के यानी कि किसी भी कार्य के मालिक हैं, जो बहुत ही इनके लिए प्रभावशाली रहेगा। और इसी के कारण ये इस वर्ष अपने पिछले वर्ष के मुकाबले 2019 और 2020 के मुकाबले में इस साल अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और बस थोड़ा सा ये है कि इनकी राशि में जो सूर्य की महादशा चल रही है उसके अंतर्गत जो राहु की महादशा चल रही है अंतरदशा, वो थोड़ा इनको प्रभावित भी करेगी, जिसके कारण कई बार इन्हें कुछ संघर्षों का सामना भी करना पड़ेगा इस 2021 में। तो मिला जुला हम ये कह सकते हैं कि इनका जो वर्ष व्यतीत होगा वो लगभग 65% अच्छा रहेगा, अर्थात ये अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। ठीक, भविष्य इनका अच्छा रहेगा, इस साल इनकम बहुत होगी क्योंकि जो धन भाव का स्वामी है वो धनु है और वो नवंबर से ही अच्छा हो गया है, परंतु थोड़ा नीच राशि में है जिसके कारण जो भी धन कमाएंगे वो आवश्यकता के अनुसार होगा, परंतु थोड़ा जितना चाहेंगे उससे थोड़ी सी कमी होगी, लेकिन कुल मिलाकर के अच्छा होगा। रही बात जो दूसरा प्रश्न है कि क्या ये किंग बन पाएंगे या नहीं, तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि ये सभी अच्छे लोगों के दिल के किंग तो निश्चित ही बने, परंतु बॉक्स ऑफिस के किंग की पदवी तक पहुंचना इनका सफल लगभग हो जाएगा। पूर्णतया तो इनको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, परंतु ऐसा संभव है यदि ये सूर्य का विशेष ध्यान रखें, सूर्य का रत्न माणिक्य यदि ये अपनी अनामिका उंगली में धारण करते हैं तो निश्चित रूप से इनको किंग बनने से कोई नहीं रोक सकता, और कुल मिलाकर के ये अपने जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। इनका थोड़ा सा समय भले से ही संघर्षमय रहेगा, परंतु लगभग जब ये 2021 अंतिम समय में होगा, उत्तरार्ध में होगा, तो इन्हें और ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि हमारे जाने माने अभिनेता ऋतिक रोशन जी, जिनका जन्म मुंबई में हुआ और 10 जनवरी को हुआ, मैं उनको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाइयाँ भी देना चाहूँगा, और ये भी प्रभु से प्रार्थना करूँगा कि दीर्घायु रहें और अपने अभिनय से सभी का मन मोहते हुए नंबर वन किंग बने और निश्चित रूप से ये किंग की पदवी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।